नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकी इंडिया में। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का नाम तो आपने सुना ही होगा, हो सकता है आपने टाइटैनिक नाम की मूवी भी देखी हो। लेकिन दोस्तों, आपको टाइटैनिक से जुड़े हुए कुछ रहस्य और कुछ जानकारियाँ जो मालूम नहीं होंगी, तो दोस्तों आज हम आपको टाइटैनिक से जुड़े हुए कुछ ऐसे अहम पहलू बताएंगे जो ना आपको पता होगा ना ही आपने सुने होंगे। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियों को लगाने का काम टाइटैनिक जहाज के बन जाने के एक साल बाद तक चलता रहा। जिस महीने यह कार्य समाप्त हुआ, उसी महीने इस जहाज को अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर जाना था। टाइटैनिक को 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्प्टन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना किया गया। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह जहाज एक हिम पर्वत से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। हिम पर्वत से टकराने के बाद लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3,547 लोग सवार थे, जिनमें से 2,687 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। टाइटैनिक जहाज जिस समय पानी में डूबा था, उस समय पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति मात्र 15 मिनट तक जिंदा रह सकता है। टाइटैनिक में 4 बड़ी-बड़ी चिमनियां लगाई गई थीं, जिनमें से सिर्फ 3 चिमनियों में से ही धुआं निकलता था। तीसरी चिमनी को सिर्फ जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए लगाया गया था। खोजकर्ता आज तक इस बात पर एक मत नहीं है कि टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़ों में बट गया। यह बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक ही तरफ दबाव बढ़ने की वजह से यह 2 हिस्सों में बट गया। टाइटैनिक जहाज पर 9 कुत्ते भी सवार थे, जिसमें से सिर्फ 2 ही जिंदा बच पाए। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़े आए हुए थे हनीमून मनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल से ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही फ्री सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।